हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हो सैंडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक ट्रांसफार्मर को अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये दोस्तों सी ट्रांसफार्मर है जो कि मैंने अमेजोन से खरीदा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो श्री एंटरप्राइज लिखा हुआ है और इसका जो टोटल प्राइस है दोस्तों वो 1550 रुपए पड़ा है मुझे डिलीवरी चार्ज मिला के, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अभी यहाँ पर इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसका वोल्टेज टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको मैं पहले खोल लेता हूँ। दोस्तों एक और बात, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो, वीडियो देख रहे हो, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको खोल लेते हैं। ये और दोस्तों ये 30 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है, पर ये दोस्तों हमारा एल्यूमिनियम वाइंडिंग में आता है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे निकलता है ये। तो मैंने जानबूझकर ही लिया है दोस्तों एल्यूमिनियम। तो देख सकते हो दोस्तों काफी वेट है ट्रांसफार्मर का। खोल लेते हैं इसको। एकदम हेवी ट्रांसफार्मर है दोस्तों। एमवी कलेक्शन का जो ट्रांसफार्मर आता है उससे भी हेवी है ये, मतलब वेट है काफी इसका। तो पता नहीं परफॉर्मेंस कैसा रहेगा इसका, तो पहले तो देखता हूँ दोस्तों। चलिए ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है कि नहीं वो भी टेस्ट करेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में। तो पहले मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर है। थोड़ा सा यहाँ पर इधर उधर हो चुका है दोस्तों, क्योंकि पैकेजिंग सही नहीं था, नॉर्मल सा पैकेजिंग था। और ये देख सकते हो इसका कोड ये है, ठीक है। ये 30 है, 10 एम्पीयर लिखा हुआ है। इसका साइज भी मैं दिखा दे रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। इसका जो साइज है दोस्तों यहाँ पर 3 इंच है दोस्तों इसका, देख सकते हो आप लोग लंबाई 3 इंच है। और जो चौड़ाई है दोस्तों कोड का वो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर से मैं पकड़ता हूँ 3 इंच, यहाँ पर से भी दोस्तों ये 3 इंच है, देख सकते हो। एक से पकड़ता हूँ मैं तो यहाँ पर 3.5 इंच, 1, 2, 3, 4 4.5 इंच है दोस्तों, आप लोगों के ही सामने ही है, देख सकते हो, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर 3 इंच है दोस्तों। और ये दोस्तों जापानी कोड पर आता है, वहां पर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ रहता है दोस्तों जापानी कोड। और ये दोस्तों हमारा 30 GO 30 का कनेक्शन है यहाँ पर, ये वायर, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 12 GO 12 का भी वायर मिल जाता है। और ये जो रेड वायर देख रहे हो ये 220 वोल्ट का है और ये 12 GO 12 का है, ठीक है। ये ब्लू और ग्रीन है और ये रेड 220 वोल्ट का है। तो चलिए पहले इसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को वोल्टेज को टेस्ट करके, ठीक है। और किसी और वीडियो में दोस्तों, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एम्पियर टेस्ट करके दोस्तों ये कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और कितना एम्पियर ये असल में दे रहा है। तो दोस्तों चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ, मैं आप लोगों को वोल्टेज टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी इसको मैंने 220 वोल्ट पर कनेक्शन कर दिया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सीरीज लैंप पर लगा के टेस्ट कर लेंगे, ठीक है।
कि ये ठीक है कि नहीं, अगर शॉर्ट होता है तो पूरा का पूरा घर का कनेक्शन उड़ जाता है, तो इसीलिए पहले सीरीज लैंप पर टेस्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ सीरीज को, और इसको भी ऑन कर देते हैं। तो इसको मैंने ऑन कर दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर कोई हमें शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी इसको वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ पर मैं 750 वोल्ट एसी पर रखता हूँ दोस्तों इसको, तो अभी हम चेक करेंगे दोस्तों, सीरीज पर ही चेक करेंगे इसको। देख सकते हो 32 वोल्टेज दिखा रहा है, 31। ठीक है, और दूसरे साइड पर भी चेक कर लेते हैं। देख सकते हो दोस्तों 33, 31। यहाँ पर जो हमारा मेन वोल्टेज है 220 वोल्ट, वो फ्लैक्चुएट कर रहा है दोस्तों कुछ दिनों से, तो इसीलिए ऐसा वोल्टेज दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 32 दिखा रहा है। तो चलिए इसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं दोस्तों, सीरीज को ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों अभी डायरेक्ट मैं देता हूँ इसको, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया है, ऑन कर दिया है दोस्तों। तो चलिए वोल्टेज को चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, कितना वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। थर्टी टू थर्टी थ्री ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और दूसरे साइड पर भी देख लेते हैं दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों 33 वोल्टेज, 32। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा 1212 है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको इस साइड पर कर लिया है मैंने, तो इसको ऑन करते हैं। ऑन कर दिया है, तो अभी यहाँ पर मैं इसको 200 वोल्ट पर रखता हूँ दोस्तों। देख सकते हो 12.1, 12.5। ठीक है, और इस साइड पर भी देख लेते हैं दोस्तों। सेम दोस्तों इस साइड पर भी। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये काफी अच्छा सा वर्क कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसका वेट दोस्तों 4.5 kg या 4.5 kg के आसपास है दोस्तों। ठीक है, इसका जो वेट है। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इसका जो एम्पियर टेस्टिंग है वो भी आएगा, नेक्स्ट वीडियो पर आएगा दोस्तों, जरूर वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ अच्छा चीज दिखाने की कोशिश में रहूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा। और इतनी का मेरा ये चैनल सैंडी यूट्यूब दोस्तों, चैनल को अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।